Dear students, how are you all? I hope you all are fine. So today we are going to start our chapter number 5, food. Okay, so what is food? Why we need food? So we need food as a water and clothes. As you all know that we cannot live without water, we cannot live without air, we cannot live without clothes. Okay, we have to wear clothes. So food is our basic need. Okay, all of us to eat food daily. We have to food daily. If we don't eat food daily, we have some weakness. We will suffer from the weakness. Okay, and many diseases. Food help us to grow. It gives energy to do work. Good food make us healthy and strong. We get food from the plants and animals. Okay, so I told you that food is our basic need. वो हमारी क्या है, ज़रूरत है. फूड हमारी क्या हेल्प करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वर्क के लिए, प्ले के लिए, और हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है. इफ़ वी हम फूड ईट नहीं करेंगे, इफ़ वी डोंट टेक फूड, वी विल बिकम वीक. ओके, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल गिव अस फूड. फर्स्ट हमारा टॉपिक है एनिमल गिव्स अस फूड. सो एज यू ऑल नो दैट प्लांट भी हमें फूड गिव करता है एंड एनिमल भी गिव करता है. एनिमल्स क्या क्या फूड गिव करता है, मीट, एग, फिश, मिल्क. ओके, दीज ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स जो हमें एनिमल गिव करते हैं. नेक्स्ट वी हैव प्लांट गिव अस फूड लाइक वीट, राइस, कॉर्न. ओके, जितने भी हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होती हैं, दे ऑल कम्स फ्रॉम प्लांट्स. दिस इज वीट. वीट से क्या बनती है, हमारी चपाती. ओके, देन वी हैव राइस, देन वी हैव सम पल्सेस, देन वी हैव वेजिटेबल्स, देन वी हैव एप्पल्स. ओके, देयर आर सम काइंड्स ऑफ फूड. There are some kinds of food. First remember it that there are three kinds of food: energy giving food, body building food, protective food. Learn कर लो कि कितने kinds के food होते हैं, कितने type के foods होते हैं. There are three types of food: energy giving food, body building food, protective food. Energy giving food क्या करेगा, दे गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, प्ले, फॉर थिंक. ओके, एनर्जी गिविंग फूड गिव अस एनर्जी. बॉडी बिल्डिंग फूड क्या करेगा, बॉडी बिल्डिंग फूड बिल्ड बोन्स एंड मसल्स. प्रोटेक्टिव फूड क्या करेगा, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज. ओके, लर्न कर लो इसको अभी का अभी, हैंड टू हैंड, कि एनर्जी गिविंग फूड गिव अस एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग फूड गिव अस बिल्ड bones and muscles, protective food protect us from diseases. Energy giving food kaun kaun se hote hain, like rice, cheese, potato, sugar, butter. Bodybuilding food kaun kaun se hote hain, grains, pulses, peas. Protective food kaun kaun se hote hain, fruits, vegetables. Okay, so learn kar lo ise ki energy giving food give us energy to do work, play and think. Bodybuilding food, they build our bones and muscles. Protective food, they protect our body from diseases. Energy giving food के example, rice, cheese, potatoes. Bodybuilding के pulses, peas, milk. Protective food के green vegetables and fruits. Okay, now cooking the food. Okay, देखो some foods होते हैं जो आप raw भी eat कर सकते हो और cooked भी eat कर सकते हो. Raw यानी कच्चा, cooked यानी बॉइल्ड होगा या फिर वो रोस्ट होगा या वो बेक होगा. ओके, तो रॉ फूड अपन कौन से खाते हैं, जैसे फ्रूट्स है, क्या फ्रूट को मैं बेक करती हूँ या मैं बॉइल करती हूँ या मैं कुक करती हूँ, नो ना. फूड जो रॉ फूड होता है, जैसे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को हम रॉ ही ईट करते हैं. जैसे वो मार्केट से आते हैं हम उसे ईट कर लेते हैं, ना हम उसको पकाते हैं ना क्या. वैसे ही कुछ वेजिटेबल्स भी होती है जिनको हम रॉ भी खा सकते हैं, लाइक टमेटो को सैलेड में खाते हैं, अनियन भी रॉ खा सकते हैं, कैरेट, रेडिश, दे कैन बी ईटन बाय रॉ.
ओके, बट सम फूड्स होते हैं जो हमें क्या करने पड़ते हैं, कुक करने पड़ते हैं पहले, लाइक ब्रिंजल. ठीक है, तो क्या हम ब्रिंजल को रॉ ईट कर सकते हैं? नहीं ना, हम ब्रिंजल को रॉ ईट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, कुक करना ही पड़ेगा. सो ये भी लर्न करना कि सम फूड कैन बी ईटन बाय रॉ एंड सम फूड कैन नॉट ईटन रॉ. नेक्स्ट वी हैव जो भी फूड द पीपल हुड नॉट ईट. देखो, जो पीपल ईट करते हैं, पीपल हु डू नॉट ईट फिश एग मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियंस. जो भी फूड ये सिंपल ईट करते हैं, लाइक प्लांट के फूड्स ईट करते हैं, ठीक है, तो उसे हम वेजिटेरियन फूड कहते हैं. जो फिश ईट नहीं करते हो, एग नहीं खाते हो, मीट नहीं खाते हो, बट जो ये फूड खाते हैं उसे हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं. द पीपल हु ईट फिश मीट एग दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन. पीपल हु डू नॉट ईट फिश एग मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियन. ओके, एंड रिमेंबर इट, वी मस्ट ईट बैलेंस डाइट एट अ रेगुलर इंटरवल्स. जो हमारी मील्स होती है जैसे ब्रेकफास्ट लंच, उन्हें उनको बैलेंस डाइट में लेना चाहिए. बैलेंस डाइट में मीन्स कि हमारे को सारे आइटम्स इक्वल, ये नहीं कि आप ओनली चपाती ही ईट कर रहे हो, आप वेजीज नहीं खा रहे हो. ऐसा नहीं कि ओनली अपन को मिल्क ही पीना है, हमारे को वेजीज भी खाने हैं. ओके, सो उसे हम बैलेंस डाइट बोलेंगे, जिसमें इक्वल क्वांटिटी की आप क्या करते हो, फूड ईट करते हो. गॉट इट? सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या क्या था. सबसे पहले फूड की नीड क्या है, फूड हमें सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं फूड के, देन हमारे काइंड्स ऑफ फूड कितने होते हैं, और फिर हमने देखा कि रॉ फूड और कुक्ड फूड होता है और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होता है. गॉट इट? सो एक बार आप रीड करोगे ना चैप्टर तो आपको आ जाएगा. और मेंशन करनी है आपको डेट, जब भी हम ये चैप्टर रीड करते हैं तब हमें डेट मेंशन करनी होती है. ओके किड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.